हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीज ब्यूटी हैक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन एक बेल आइकन आएगी वो भी दबाना, ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टीथ वाइंडिंग के लिए होम रेमेडी। स्माइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लौंग। अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो आप अपने दांतों में एक लौंग रख सकते हैं, उससे भी आपका दर्द गायब हो जाएगा। या फिर आप इसे कूट लें और आप इसे टूथपेस्ट की तरह काम में ले सकते हैं। इसमें पानी मिलाकर आप जैसे टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं वैसे ही इससे कर सकते हैं, पर इससे आपको रोज़ नहीं करना है, आप कुछ दिनों बाद इसे कर सकते हैं, या फिर जब आपके पेन हो तब आप इसे काम में ले सकते हैं। बैड ब्रीथ को दूर करेगा, डेंटल प्लैक को ये दूर करेगा, अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसे भी ये दूर करेगा। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं आप उसमें देखें कम से कम केमिकल हो उसमें, या फिर केमिकल फ्री हो। आप उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं उन्हें पढ़ के ही अपना टूथपेस्ट काम में लें। जैसे आप वीको ले सकते हैं, लाल दंत मंजन ले सकते हैं, या फिर आप जो भी यूज करते हैं उसमें देखें कम से कम केमिकल हो। आप टमाटर का रस ले सकते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए। और जो भी है उन्हें आप ज़्यादा देर तक काम में ना लें, आप 2 मिनट ही मैक्सिमम इनसे ब्रश करें। तो इस तरह आप टमाटर के रस से ब्रश कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलोवेरा लीफ। आप एलोवेरा जेल से भी अपने दांतों पर रब कर सकते हैं, इससे भी आपके टीथ वाइट होंगे। आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, आप चारकोल पाउडर भी ले सकते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।